हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर सेकंड ऑफ द क्लास 10th साइंस। द नेम ऑफ चैप्टर इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फर्स्ट इज एसिड्स हैव जनरली सोर टेस्ट। जो आपके एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? सोर मीन्स खट्टा। एसिड्स डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज एच पॉजिटिव आयंस। ये भी हमने स्टडी किया। एसिड्स को जब क्या है, हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, ठीक है। जब हम इसको क्या है, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो ये क्या है, एच पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एसिड्स। तो एसिड्स डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज एच पॉजिटिव आयंस। नेक्स्ट इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड्स है, ठीक है, जब भी क्या है, हम ब्लू लिटमस पेपर में एसिड को पुट अप करते हैं, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, तो ये उसको किस में चेंज कर देता है, रेड में, ठीक है। तो ये भी क्या है प्रॉपर्टीज आपकी एसिड के, कि ये ब्लू लिटमस पेपर को आपका चेंज कर देगा रेड लिटमस पेपर में, ठीक है। फिर है आपका जो फिनोप्थिलीन, इंडिकेटर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। फिनोप्थिलीन का कलर क्या होता है, ठीक है, जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है उसका कलर क्या होता है, कलरलेस, ठीक है। जब भी हम ऐड करते हैं एसिड्स को तो वो कलरलेस ही रहेगा आपका, ठीक है, कलरलेस। नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में क्या देगा ये, जब हम एसिड्स को ऐड करते हैं मिथाइल ऑरेंज, या मिथाइल ऑरेंज को एसिड्स में ऐड करते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये प्रॉपर्टीज कौन शो करेगा, एसिड्स, ठीक है। जो बेस में है वो कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर, और एसिड में कैसा देगा आपका, रेड कलर मिथाइल ऑरेंज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्शन विद मेटल, ठीक है। ये तो हमने प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली थी, ठीक है, इंडिकेटर्स में। फिर डेफिनेशन में आ गया था आपका एच पॉजिटिव आयन डिजॉल्व करने, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद एसिड्स आपके एच पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है। फिर आपने इंडिकेटर में स्टडी किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर, एसिड्स में क्या आपका इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर आज हम बात करेंगे एक्शन विद मेटल्स, मीन्स अगर एसिड्स का रिएक्शन करते हैं आपका एसिड्स के साथ को, तो क्या रिएक्शन होती है, क्या केमिकल चेंज होता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4। देखो, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, इट फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब भी हम क्या है, मेटल को क्या है, रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड्स कुछ भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, बट लेना आपने डाइल्यूट है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करता है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपकी साथ में रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल मेटल, अगर जिंक ले लो, जिंक क्या है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब डाइल्यूट एसिड आप ले लो यहाँ पे H2SO4, H2SO4, ये क्या है आपका, डाइल्यूट, ठीक है। अब अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस H2 गैस रिलीज होगी आपकी, ठीक है, H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम अगर आपका HCl के साथ क्या है, डाइल्यूट HCl के साथ क्या है, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, HCl क्या है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। तो Cl आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा Mg के साथ, ठीक है, MgCl2 प्लस H2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से जब भी हम मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं डाइल्यूट, तो ये सॉल्ट देगा प्लस आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मतलब यही इसकी प्रॉपर्टीज है
एसिड्स के साथ जब भी रिएक्ट करेगा मेटल तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। सॉल्ट तो फॉर्म करेगा ही, उसके साथ क्या है जो प्रॉपर्टीज इसकी मेन डिफरेंशिएट करता है कि हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटल जब आपकी रिएक्ट करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और तो क्या फॉर्म करती है, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, उनको बोलते हैं हम मेटल ऑक्साइड्स। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब जो आपके बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका, सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स समझ लो कि मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस, बेस है, बेसिक नेचर होता है ना, बेस और एसिड आपका वैसे भी फॉर्म करके क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है, सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो ये क्या है, सॉल्ट और वाटर आपका रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है जो मेटल्स होती है वो क्या है, एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल ले लो, अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, मींस कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म किया, ठीक है, ये क्या है आपका, सॉलिड्स है, ठीक है। फिर एसिड अगर मान लो HCl है, ठीक, HCl के साथ ही इसने रिएक्ट करके क्या है, कैल्शियम Cl2 फॉर्म किया, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये तो आपका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, प्लस H2O लिक्विड रिलीज किया, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट ले लो, अगर आपके पास MgO मीन्स मैग्नीशियम आपकी मेटल है, उस वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया, ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। फिर ये क्या है, HCl या H2SO4, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है आपका, MgSO4, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये कंप्लीट डिसोसिएशन होके कैसे टूटता है, 2H पॉजिटिव आयन देगा, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो और ये कैसे, MgO, Mg2 पॉजिटिव और O आपका नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, तो आपका क्या फॉर्म होगा, H2O, ठीक है, ये O इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, H2O रिलीज हो जाएगा, सल्फेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। मेन क्या है ये कि मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक होता है, और हमने प्रीवियस लेक्चर में शायद स्टडी किया था, जब भी आपकी बेस रिएक्ट करता है एसिड से तो सॉल्ट और वाटर रिलीज करेगा। तो यहाँ पे भी जब भी मेटल ऑक्साइड मतलब एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, जब भी ये एसिड्स क्या है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपका सॉल्ट और वाटर रिलीज करेगा रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स मीन्स मेटल और कार्बोनेट, ठीक है, कार्बन CO3 ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं हम, ठीक है, मीन्स इसमें हाइड्रोजन CO3 इस टाइप से कोई मेटल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, बोथ द मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू इवॉल्व CO2 गैस एंड फॉर्म द सॉल्ट, ठीक है। अब आपको पता है कार्बोनेट क्या है, CO3, ठीक है। तो आपने यहीं से याद रखना है कि जब भी आपकी रिएक्शन होगी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसी भी एसिड्स के साथ तो वो क्या है, CO2 गैस रिलीज करेगा, साथ में आपका सॉल्ट तो फॉर्म होगा, ठीक है, बट आपका CO2 गैस भी रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास Na2, ठीक है, CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, अगर रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा, 2NaCl, ठीक है, ये तो आपका सॉल्ट हो गया, ठीक है, प्लस H2O और साथ में क्या रिलीज होगी,
H2 गैस आपकी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, देखो सॉल्ट और वाटर, तो आपका वाटर यहाँ मेटल ऑक्साइड में भी रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, सॉल्ट भी और वाटर भी, लेकिन अगर आपके कार्बोनेट्स मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, तो उनकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिड्स की, जब भी वो रिएक्ट करते हैं इनके साथ मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो CO2 गैस आपकी रिलीज होगी साथ में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ये मेन आपका एग्जांपल है, ठीक है अगर ये HCl के साथ आपका रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करेगा आपके पास, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस H2O तो रिलीज करेगा, साथ में क्या करेगा H2 गैस आपकी रिलीज करेगा। ठीक है, इतना याद रखना आपने। फिर आप एक एग्जांपल ले लो बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मीन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीन्स बीच में आपका क्या है हाइड्रोजन भी आएगा। ठीक है, प्लस अगर ये H2SO4 के साथ क्या है रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या है आपका सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O वाटर प्लस 2CO2 आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है आपका सॉल्ट भी फॉर्म हो रहा है, वाटर भी रिलीज हो रहा है और CO2 गैस भी रिलीज हो रही है। मीन्स आपके जब भी मेटल ऑक्साइड ये मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ, तो क्या रिलीज करेंगे CO2 गैस। ठीक है, अब हमने देखो एसिड्स में आपने केमिकल जो आपकी रिएक्शन है, केमिकल चेंज है एसिड्स का, क्या आपका प्रॉपर्टीज शो करता है मेटल मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है, आपने याद रखना है एसिड जब आपका मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो और जब आपका मेटल ऑक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वह आपके सॉल्ट और वाटर ओनली रिलीज कर रहा है। ठीक है, और अगर आपका मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपका सॉल्ट भी फॉर्म हो रहा है, वाटर भी फॉर्म, बट मेन डिफरेंशिएट क्या है कि CO2 गैस आपकी रिलीज हो रही है।